तो चलिए आज के इस मसले पर हम चर्चा करते हैं। इस समय हमारे साथ बिहार के जो टीईटी टीचर्स एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं विक्रम जी हमारे साथ हैं। जो टीईटी टीचर्स एसोसिएशन है विक्रम जी हमारे साथ हैं। आज इतने हजारों टीचर्स का बिना प्रमाण पत्र लिए उनको उनकी हजारों टीचर्स का बिना प्रमाण पत्र लिए उनको उनकी सिस्टम में बहाली कैसे हुई? देखिए 2003 में जब रावड़ी देवी जी की सरकार थी उस समय एक योजना बनी कि टीचर्स की रेगुलर बहाली को रोक करके या बंद करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 11 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट पर हम नियोजित शिक्षकों की या शिक्षा मित्रों की बहाली करेंगे। तो शिक्षा मित्रों की बहाली का जो प्रोसेस हुआ उसमें पंचायत को ये अधिकार दे दिया गया कि वो अपने लेवल पे फॉर्म्स इनवाइट करें और मार्क्स बेसिस पर क्लास 10th और 12th के मार्क्स बेसिस पर शिक्षकों की भर्ती करें। एक्चुअली जो प्रॉब्लम शुरू हुई वो 2003 से शुरू हुई, लेकिन 2005 में जब सत्ता बदली नीतीश जी की सरकार आई उन्होंने भी उस सिस्टम को नहीं बदला, उस सिस्टम को ही जारी रखा। टीचर्स की रेगुलर वैकेंसी बंद करके मार्क्स बेसिस पर जिसे हम लोग कहते हैं सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ योजना जारी रखी और इस तरीके से लगातार 2005, 2006, 2008 और 2010 तक करीब 2.5 लाख शिक्षकों की भर्ती कर ली गई जिनका कोई एग्जाम नहीं लिया गया, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स बेसिस पर, ना तो वो ट्रेंड थे ना ही कोई एग्जामिनेशन पास किया, सिर्फ मैट्रिक और इंटर यानी कि 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पे उनकी बहाली होगी। सारी गड़बड़ी वहीं से शुरू हुई और उसमें बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई थी क्योंकि जो मुखिया थे उन्होंने क्या किया कि अपने आसपास के उनके जो गुड फेथ के लोग थे उनको अनफेयर प्रोसेस अनफेयर मीन से उनको बहाल कर लिया टीचर्स के तौर पर और ये लगातार उठता रहा है। उसके बाद 2015 में एक पीआईएल रंजीत जिस केस का आप जिक्र कर रही हैं रंजीत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार पीआईएल हुआ है और उसमें ये ऑर्डर आया है कि नहीं इनकी फिर से जाँच की जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 4 सालों से सर्टिफिकेट जाँच की प्रक्रिया चल रही है लेकिन वो जो 77,000 शिक्षकों के फोल्डर्स की बात है वो जो डिफरेंट नियोजन इकाई जांच प्रक्रिया चल रही है यानी कि ये जांच कब तक चलेगी, बिल्कुल इसमें एकदम सही तरीके से जांच भी नहीं हो रहा है। जांच में भी बहुत सारी धांधलियां हो रही हैं, जो टीचर्स सही भी हैं उनको गलत बता करके उनसे मनी एक्सटॉर्ट किया जाता है और जो गलत है उनसे पैसे लेकर के उनको सही बना दिया जाता है। ऐसा हाईकोर्ट में कई मामले आए जिनको निगरानी ने गलत कह दिया और हाईकोर्ट में जब दोबारा उनके केस की सुनवाई हुई तो वो सही पाए गए। तो ये जांच भी सही तरीके से नहीं हो रही, पूरी स्टेट मशीनरी इसमें मिली हुई है और कोर्ट के बार बार रिपीटेडली नोटिस देने के बाद भी ये लोग जो नियोजन इकाई है जहां पे मुखिया और पंचायत सचिव ने धांधली की है उन पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। अगर कोई टीचर का मार्क्स में कुछ गड़बड़ी पाया जाता है तो उस पर एफआईआर होता है लेकिन जो नियोजन इकाई में मुखिया हैं पंचायत सचिव हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उन पर एफआईआर होना ये निर्देश है हाईकोर्ट का, उन पर भी एफआईआर नहीं है कि जो लेकिन ये नहीं है जो पंचायत समितियां हैं नहीं है कि सिस्टम में पूरी इकाइयां हैं जो पंचायत समितियां हैं पत्र की जांच नहीं की और टीचर की बहाली कर दी है। आज इसके लिए जिम्मेदार कौन है कि पंचायत समिति से कौन पूछेगा कि आप टीचर्स की बहाली कैसे की, नीतीश कुमार इस चीज को पूछेंगे कि आपने टीचर्स की बहाली कैसे की, नीतीश कुमार इस चीज को पूछेंगे? बिल्कुल पूछना चाहिए। पहली बात तो ये कि आपने ऐसी प्रक्रिया बनाई ही क्यों जहां पे बिना सर्टिफिकेट जांच किए बिना कोई परीक्षा लिए आपने शिक्षक बना दिया। शिक्षक को हम लोग कहते हैं राष्ट्र निर्माता है, भविष्य देश का तैयार करने वाला है, उसकी बहाली आपने सिर्फ पता नहीं की जब जिम्मेदारी दी गई उन्होंने क्या इस चीज को क्रॉस चेक करने की नहीं समझा, क्या ये जो अन्य नीतियां हैं इररेगुलरिटीज हैं ये क्या लालू और राबड़ी जी के जमाने से चल रही है? जी 2003 से कंटिन्यूअसली ये 2010 तक ये सिस्टम चला। 2011 में जब आरटीई आया मतलब इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ, 2009 में पास हुआ, 2011 से इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद टीईटी यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट गवर्नमेंट ने कंडक्ट कराना शुरू किया। उससे पहले 2003 से 2010 तक जो बहालियां हुई उसमें लगातार मतलब कि चाहे वो लालू जी की सरकार रही हो लालू राबड़ी जी की सरकार रही हो नीतीश जी की रही वो प्रोसेस सेम प्रोसेस कंटिन्यू रहा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हुआ, किसी के सर्टिफिकेट की जाँच नहीं हुई।
और जांच तब हो रही है जब हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है विजिलेंस को, तब स्टेट गवर्नमेंट ने ज्वाइनिंग के समय इनके सर्टिफिकेट का जांच ही नहीं कराया, कोई भी फर्जी सर्टिफिकेट फोटोकॉपी लगा करके ज्वाइन कर गया। ज्वाइनिंग से पहले सारे विभाग में नौकरियों से पहले सर्टिफिकेट की जांच होती, इन्होंने नहीं करा जांच। और अब भी कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद ये पंचायत सचिव और मुखिया पर एफआईआर नहीं कर रहे हैं, कोर्ट बार बार रिमाइंडर दे रही है, ये आज पहली बार नहीं है, ये हम लोग 2 साल से सुन रहे हैं कि कोर्ट डायरेक्शंस दे रही है इनको कि आप एफआईआर कीजिए, आप एफआईआर कीजिए, लेकिन ये गवर्नमेंट एफआईआर की परमिशन नहीं देती है।